गुड इवनिंग, वेलकम है इंग्लिश लिटरेचर के आज के सेशन में। आज की जो हमारी क्लास है ये फोकस कर रही है एडगर एलन पो के ऊपर। हु इज ही इज ए फेमस अमेरिकन इंग्लिश राइटर। जब भी आप इंग्लिश लिटरेचर की तैयारी करते हैं एंड उसके अंदर अगर आपके सिलेबस के अंदर अमेरिकन राइटर्स हैं तो मान के चलिए कि एडगर से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट राइटर, और इनके वर्क्स को लेकर के भी उसके अंदर डीप इंफॉर्मेशन को भी कंसिडर करते हुए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होंगे? इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSP, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय के अंदर TGT या PGT इंग्लिश की आप तैयारी कर रहे हो, वहाँ के सिलेबस के अंदर हमारे अमेरिकन राइटर्स होते हैं, और अमेरिकन राइटर्स के अंदर हमारा आज का सेशन फोकस कर रहा है एडगर एलन पो के ऊपर। उनकी बायोग्राफी प्लस उनके वर्क से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। कंटेंट या स्टडी मटेरियल मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर लिया था, सो आई होप आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप तैयार भी होंगे एंड जो क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने उनको आप सॉल्व भी कर पाओगे, है ना। दोनों चीजें हैं, एक टेलीग्राम चैनल पर जो कंटेंट शेयर हुआ था उसको कितना पढ़ा और कितना रिटेन कर पा रहे हैं, कितना याद है, और उसके बेसिस पे इन क्वेश्चंस को कितने अच्छे से सॉल्व कर पा रहे हैं। दोबारा रिपीट कर दे रही हूँ, किनके लिए बेनिफिशियल है आज का सेशन? DSSP, KVS, NVS, TGT एंड PGT कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, और अमेरिकन राइटर है हमारे। शुरू करें पहले क्वेश्चन के साथ, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं एंड हियर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट वन। गुड इवनिंग है सभी को, वेलकम है। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नोन एज द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, सो वेरी इंपॉर्टेंट वन, और बायोग्राफी के अंदर एक बहुत ही आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर है या इंपॉर्टेंट फीचर है, और बायोग्राफी के ऊपर ये वाला क्वेश्चन आ सकता है हमारा। सो हु इज नोन एज द फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज? ठीक, एडगर एलन पो, एंटन चेकॉफ, आर्थर कॉनन डॉयल एंड जूलियट राइट, चारों में से आपको आइडेंटिफाई करना है। सो इजी क्वेश्चन है, आपको पता है कौन से राइटर के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, सो यू विल बी हैविंग योर ऑब्वियसली दिस आंसर तो डेफिनेटली आपका करेक्ट होगा। सो फर्स्ट के लिए क्या लिखे हम? जी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, एडगर एलन को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू। सो क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर दीजिए। जी सही है पिंकी, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर टू, हु डिड पो मैरी व्हेन ही वाज 26 इयर्स ओल्ड? सो इसके लिए उनको स्पेशल परमिशन लेना पड़ा था एंड सो दैट ही कैन मैरी दिस पर्सन, और ये उनके रिलेशन में थे, कजन, और एज भी बहुत कम थी। सो जो भी आंसर आप इसमें सेलेक्ट करना चाहें बताएं। क्वेश्चन नंबर टू के लिए, सारा हेलेन विटमैन, मार्गरेट एटवुड, वर्जीनिया क्लेम या फिर सिसिलिया? सो एलन वाज 26 इयर्स ओल्ड और ये जो कजन है शी वाज 13 इयर्स ओल्ड, और इसके लिए उन्होंने उनको परमिशन लेनी पड़ी सो दैट ही कैन गेट मैरिड टू दिस पर्सन। सो ऑप्शन ए बी सी या डी कौन सा बता रहे हैं? जी करेक्ट है, टू के लिए ऑप्शन सी, वर्जीनिया क्लेम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एडगर एलन पो डाइड। सो यहाँ पे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हमारा ईयर एंड ऑल्सो द लोकेशन, ईयर भी और लोकेशन भी, तो फिर हम इस आंसर को मार्क कर पाएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री के सही आंसर को। सो ऑप्शन ए में दिया गया है 1849 इन बाल्टीमोर, 1949 इन न्यूयॉर्क, 1816 बॉस्टन में, और 1749 फिलाडेल्फिया। सो क्वेश्चन नंबर थ्री के लिए ईयर एंड द लोकेशन। सो आंसर्स ट्राई करें। बायोग्राफी के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा जो बर्थ ईयर एंड लोकेशन एंड डेथ के प्रस्पेक्टिव से, डेथ ईयर एंड लोकेशन, ये किसी भी जो हमारे फेमस वाले राइटर्स हैं, प्ले राइट हों, पोएट हो या फिर ड्रामेटिस्ट हों, एसेइस्ट हों, अगर आप बायोग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर सेकेंड लेवल पे आ जाता है कि वो वर्क का नाम एंड वर्क का
पब्लिकेशन ईयर जहाँ पे आपको डेट्स याद रखने होंगे। तो 3 के लिए हमारा आंसर है ए ऑप्शन, करेक्ट है। 3 के लिए राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। सो इन 1849 इन बाल्टीमोर, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द नेम ऑफ द लिटरेरी जर्नल पो वाज ट्राइंग टू लॉन्च व्हेन ही डाइड। सो उसके लिए वो फंड इकट्ठा कर रहे थे और इस लिटरेरी जर्नल के लिए, लेकिन उनकी डेथ हो जाने के वजह से उसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए। ठीक है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, द कोरोनेट, द स्टाइलस, द रेवन, द नन ऑफ दीज। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? कोरोनेट है, स्टाइलस है, रेवन है, या इन तीनों के अलावा कुछ और है जो यहाँ पे ऑप्शन में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बताना है राइट आंसर यहाँ पे क्या है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सो 4 के लिए बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अब ये जो 4 क्वेश्चंस थे ये थे बायोग्राफी के ऊपर। अब जो हमारे सामने क्वेश्चन आएंगे ये इनके वर्क के ऊपर बेस्ड है। सो जो मैंने आपके साथ वर्क्स शेयर किए थे, एक-एक करके उन वर्क्स के ऊपर बेस्ड वी विल डिस्कस 4 स्पेसिफिक क्वेश्चंस, हर वर्क के ऊपर का 4 स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो अगर आपने डिटेल पढ़ा होगा तो आप आंसर दे पाओगे, नहीं दे पाओगे तो यू कैन गो बैक, आपको टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक दिख रहा है, और अगर नॉर्मली सर्च करना चाहोगे स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है, और नॉर्मली सर्च करना चाहोगे तो टीजीटी बीजीट इंग्लिश बाय रुचि मैम के नाम से आपको मिल जाएगा। स्टिल कोई दिक्कत है तो दिए गए नंबर, जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको ज्वाइन कर लूंगी या आपको लिंक भेज दूंगी, बोथ वेज है। सो 5th के लिए बताना है, व्हाट वाज द फर्स्ट वायलेंट एक्ट द नरेटर डिड टू प्लूटो। सो प्लूटो कौन है, कैट है, और जो हमारा नरेटर है वो प्लूटो के साथ 2 बार वायलेंट एक्ट करता है। सो पहला वाला पूछा जा रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट वायलेंट एक्ट द नरेटर डिड टू प्लूटो। ही ब्रोक प्लूटोज लेग, ही कट प्लूटोज आई आउट, ही थ्रू प्लूटो इन द आइसी रिवर, या ही स्टार्व्ड प्लूटो फॉर 2 वीक्स। चारों में से आपको आंसर बताने हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए एनी आंसर्स? सो ब्लैक कैट एडगर एलन पो का वर्क है, और ये मैंने शेयर किया हुआ था, पढ़ के आना था आप लोगों को। सो 5 के लिए आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, ही कट प्लूटोस आई आउट, है ना। सो पहला वायलेंट एक्ट 5 के लिए आंसर हो गया बी। वट सेकेंड एक्ट डिड द नरेटर कमिट ऑन प्लूटो। सो उस कैट के ऊपर जो दूसरा एक्ट है वो कौन सा है? ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं? ही कट ऑफ हिज ईयर्स, ही हंग प्लूटो फ्रॉम अ रोप एंड किल्ड हिम, ही बरीड प्लूटो अलाइव इन द यार्ड, या फिर ही थ्रू प्लूटो इन टू द फायर प्लेस एंड बर्न हिम। सो इन चारों में से सेकेंड या फाइनल जो भी आप कहना चाहें। तो 6 के लिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला। क्या करा था उसने? ही हंग प्लूटो फ्रॉम अ रोप एंड किल्ड हिम। सो ये हमारा कहा स्टोरी के बिल्कुल आप कह सकते हैं बीच में ये वाला इंसिडेंट होता है, उसके बाद फिर एक और कैट की एंट्री होती है, एंड देन देयर इज किलिंग ऑफ वाइफ, और फिर वो जो एक्ट है उसको बहुत छुपाने की कोशिश करता है नरेटर पुलिस के सामने, लेकिन वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से पुलिस को पता चल जाता है। सो अभी 2 और क्वेश्चंस रहते हैं ब्लैक कैट के ऊपर, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 6 के लिए हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी शशि, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल, पिंकी का भी करेक्ट, शशि का भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, Why did the narrator kill his wife? क्यों? He was delirious and thought she was turning into a cat. ये लगा उसको. She tried to stop him from killing the cat. He killed her in his rage. She wanted to get rid of the cat. She told him she would leave if he kept the cat. He meant to scare her and accidentally killed her. तो गलती से मार दिया.
या फिर ही थॉट ही हर्ड द वॉइस ऑफ द फर्स्ट कैट टेलिंग हिम टू डू इट. सो उसके दिमाग में या उसके कानों में आवाज आ रही थी उस वाली बिल्ली की. क्या मार्क करेंगे 7 के लिए? तो यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट ऐसे नहीं है कि वहां पे दिया हुआ था फैक्ट. आप जब स्टोरी को पढ़ रहे होंगे तो आपको ये चीज लगा होगा, उसके बेसिस पे आप ये आंसर करेंगे 7th के लिए. व्हाई डिड द नरेटर किल हिज वाइफ? सो एक्सीडेंटली मारा था, या उसके कान में बिल्ली ने बोला था इस वजह से, या फिर रेज में मार दिया था, या फिर वो बिल्ली में कन्वर्ट हो रही थी, शी वॉज कन्वर्टिंग इन टू कैट इस वजह से. सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? सी नहीं, सी में देखिए आपके लिखा हुआ है ना, शी वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द कैट. सो वो वाली चीज तो नहीं थी वहां पे. क्यों मारा था? रेज में मारा था. सो 7th के लिए बी हो जाएगा, बी आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. वेयर इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी? सो आपके जो लिटरेरी टर्म्स होते हैं उसके अंदर एक ये आप कह सकते हैं पॉइंट होता है, कौन सा? क्लाइमेक्स वाला, जहां पे एकदम से एवरीथिंग इज ओपन. कुछ ऐसा एक टर्न ऑफ इवेंट हो जाता है, एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे मैक्सिमम क्यूरियोसिटी होती है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट विल हैपन, उस तरीके से वाली. सो वेयर इज द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी? कौन से वाले ऑप्शन में? द क्लाइमेक्स इज व्हेन द नरेटर किल्स हिज वाइफ, या फिर व्हेन नरेटर फाइंड्स द सेकेंड कैट, या फिर जब कैट स्क्रीम्स, या फिर व्हेन नरेटर इज हंग. सबको पता है नरेटर इज हंग वाला तो कोई पॉइंट ही नहीं है. ए बी और सी में से किसको आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये स्टोरी का बिल्कुल ऐसे पीक पॉइंट था या क्लाइमेक्स था? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए वो वाला जब जो उसने जहां पे अपनी वाइफ की बॉडी को छुपा रखा होता है वहां के पीछे से किसकी आवाज आती है? कैट की आवाज आती है, और उस चीखने की आवाज की वजह से पुलिस का क्या होता है, ध्यान चला जाता है, एंड देन एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ देम, है ना? सो 8 के लिए सी. सो ये चार क्वेश्चंस हमारे किस पे थे? बायोग्राफी के ऊपर. देन 5, 6, 7, 8 हमने डिस्कस किए दी ब्लैक कैट के ऊपर, है ना? नहीं पढ़ा होगा आपने, सो नो इश्यूज, टेलीग्राम में है, कल का शेयर्ड है कल की डेट से, सो आप उसको देख लीजिएगा, है ना? 28 सितंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाँ जी करेक्ट है, 8 के लिए सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 9, ये कहाँ से है? द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर. सो ध्यान दीजिए, याद कीजिए क्या था स्टोरी. क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट हैपेंड टू लेडी मैडलिन ऑन द डे द नरेटर अराइव्ड? सो स्टोरी में जिस दिन हमारा नरेटर आता है उस दिन क्या होता है लेडी मैडलिन के साथ? शी डाइड, शी वॉज मिरेकुलसली क्योर्ड, शी रिटायर्ड टू हर रूम एंड नेवर केम आउट, या फिर शी फेल इन लव विथ हिम. सारे में से आपको बताना है 9 के लिए. व्हाट हैपेंड टू लेडी मैडलिन ऑन द डे द नरेटर अराइव्ड? जी ट्राई कीजिए. सो आंसर इज शी रिटायर्ड टू हर रूम एंड नेवर केम आउट अगेन. सो 9 के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी. देन व्हाट डिड अशर वांट टू डू विथ हिज ट्विन सिस्टर्स बॉडी? शी वांटेड टू बारी इट इन द यार्ड अंडर हर फेवरेट ट्री, ऐसा कुछ था. ही वांटेड टू टेक इट टू द चर्च सिमेट्री इमीडिएटली. He wanted to preserve it by leaving it in room. He wanted to place it in a vault within the house for a fortnight. So, वो क्या करना चाहता था उस बॉडी के साथ, ट्विन सिस्टर के? So, हमारे यहाँ पे 10 के लिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी. He wanted to place it in a vault within the house for a fortnight. So, 10 के लिए ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11. सेम स्टोरी से है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर से.
व्हाट डिड द लिविंग कॉर्प्स ऑफ मैडलिन डू व्हेन इट केम इनटू द नरेटर्स रूम? क्या करता है वो? इट थ्रू अ डैगर एट अशर्स हार्ट, इट बिगैन टू श्रीक एंड वेल, इट डिस इंटीग्रेटेड इन फ्रंट ऑफ देयर आईज, या इट फेल ऑन अशर? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जी. सो क्या होता है? इट फेल ऑन अशर. जो वो लिविंग कॉप्स होता है मेडलिन का, वो जब नरेटर के रूम में आता है तो वो अशर के ऊपर गिर जाता है. सो 11 के लिए डी. एंड क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपेंड टू द हाउस? स्टोरी के एंड में जो हाउस होता है उसके साथ क्या होता है? इट बर्न टू द ग्राउंड, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे जल के राख, या इट क्रैक्ड एंड फेल इनटू पीसेस इनटू द टान, इट एक्सप्लोडेड, या द विंड ब्लू द रूफ ऑफ एंड द इनसाइड वाज डिस्ट्रॉयड बाय वाटर? क्या होता है यहाँ पे? ट्वेल्व के लिए आपको बताना है. सो इट क्रैक्ड एंड फेल इनटू द पीसेस इनटू द टान. सो 12 के लिए हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी. ये जो चार क्वेश्चंस थे ये किससे थे? द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ आशा से. नेक्स्ट वर्क देखें कौन सा है. आर नेक्स्ट वर्क इज द मर्डर्स इन द रू मॉर्ग. सो इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. पुलिस को लग रहा था कि किसी और ने मारा है, बैंक के क्लर्क ने मारा है, लेकिन स्टोरी के एंड में हमें पता चलता है कि नहीं, देयर वाज ऑल टुगेदर समथिंग एल्स. मतलब दूर दूर तक वो चीज कहीं भी सामने नहीं आई थी, लेकिन यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से पता चलता है कि नहीं, द एंडिंग वॉज ऑल टुगेदर एकदम डिफरेंट, है ना. सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आपको बताना है, हु इज ड्यूपिन? कौन है? ही इज द डिटेक्टिव, ही इज द विक्टिम ऑफ द मर्डर, ही इज द प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस, या फिर ही इज द सेलर? सो हमारी स्टोरी के अंदर रूम पार्टनर्स कह लीजिए, नरेटर है और ड्यूपिन है, और आपसे पूछा जा रहा है कि ड्यूपिन का क्या रोल है इस वाले स्टोरी के अंदर. डिटेक्टिव, विक्टिम, पुलिस, या फिर सेलर? क्वेश्चन नंबर 13 के लिए बताना है आपको. आसान है, वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आपने एक बार भी रीड आउट करा होगा तो आप कभी नहीं भूलोगे. तो 13 के लिए क्या आंसर है? ड्यूपिन कौन है? राइट आंसर इज डिटेक्टिव. सो 13 के लिए ए. नरेटर और ड्यूपिन ये एक साथ रहते हैं, और उस दिन उन्होंने वो न्यूज़पेपर पढ़ा था जिसके अंदर वो मर्डर की खबर आई थी, और अगले दिन फिर कुछ और खबर आती है. सो ड्यूपिन इज डिटेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, व्हाई डिड ड्यूपिन बिकम इन्वॉल्व्ड इन अ केस? सो वो उसको न्यूज़पेपर में पढ़ रहे थे, सारी चीजें सही थी. क्यों ड्यूपिन का इंटरेस्ट डेवलप हो गया? क्यों उसको जानना हो गया कि हु हैज एक्चुअली डिड दैट मर्डर ऑफ मदर एंड द गर्ल? द फैमिली ऑफ द वुमेन ऑफर्ड हिम अ लार्ज सम ऑफ मनी टू इन्वेस्टिगेट. पैसे मिले थे उसको. द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ द मर्डर्स हैड वंस हेल्प्ड हिम आउट एंड ही वॉज ग्रेटफुल. सो आपको पता है इल्जाम किसके ऊपर लगा था? बैंक के क्लर्क के ऊपर. देन सी ही वांटेड टू लर्न एज मच एज ही कुड इन ऑर्डर टू राइट अ बुक अबाउट द मर्डर्स. तो रिसर्च कर रहा था, ये वाला पॉइंट था. या फिर ही हैड अ ग्रज अगेंस्ट द प्रीफेक्ट ऑफ पुलिस एंड ही वांटेड टू एम्बैरस हिम. या इसलिए कर रहा था क्योंकि उसको पुलिस से बदला लेना था. चारों में से कौन सा रीजन है? नो इशूज सपना, वेलकम है सेशन के अंदर. सो 14 के लिए आपको बताना है क्यों इन्वॉल्व हुआ था. क्योंकि वो जो बैंक का क्लर्क था उसने पहले हेल्प करी थी ड्यूपिन की. एंड ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला. द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर्स हैड वंस हेल्प्ड हिम आउट एंड ही वाज ग्रेटफुल. सो उसको लगा था कि नहीं, मैं इससे मिला हुआ हूँ और मैं इसको जानता हूँ, एंड ही कैन नॉट बी इन्वॉल्व इन सच काइंड ऑफ एक्ट्स. सो उसको अंदर से जेन्युइनली इंटरेस्ट हुआ कि मुझे इन चीजों के बारे में पता लगाना चाहिए, एंड देन ड्यूपिन गॉट इन्वॉल्व इन द केस. सो 14 के लिए हो जाएगा बी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. हाँ जी, 14 का बी करेक्ट है, बिल्कुल. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15.
कमिटेड दी मर्डर्स इन द र्यूमॉग। सो ये बिल्कुल ऐसे जो फाइनल में सबको हम लोग को आप लोग को पता चलता है स्टोरी में किसने मारा था, द ओरांगटन, अ सेलर, करप्ट कॉप या फिर ड्यूपिन। उसने खुद ही मारा था और फिर सॉल्व करने में उसी का पोल खुल गया, ऐसा कुछ था, या एक सेलर आया था उसने मारा था, या पुलिस ने मारा था, या फिर ओरांगटन एप टाइप एनिमल है ना। सो 15 के लिए जी करेक्ट है सविता, सही आंसर है 15 के लिए। हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, करेक्ट है। बाद में पता चलता है कि सेलर इसको ओरांगटन को लेके आया था और वो लूज हो गया था, एंड ये जो सारा कुछ है ये उस एनिमल ने करा था। सो 15 के लिए राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन 16, द मर्डर्स इन द र्यूमॉग इज साइटेड एज द फर्स्ट स्टोरी इन विच पॉपुलर जॉनरे। सो ऐसा कहा जाता है, देखिए हमने बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या पढ़ा था कि एडगर आलन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज। सो ये वाले जो स्टोरी है इसको भी हम मानते हैं कि एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट था और यहाँ से एक नए तरीके का जॉनरे स्टार्ट हो गया, लोग ऐसी कहानियां लिखने लग गए। सो कैसी कहानियां, हिस्टोरिकल रोमांस, गॉथिक हॉरर, डिटेक्टिव स्टोरी या फिर पास्टोरल एलजी। सो पास्टोरल होता है जब रस्टिक लाइफ को रिप्रेजेंट किया जा रहा हो, शेपर्ड वगैरह, और वो मतलब विलेज फॉरेस्ट टाइप ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, और एलजी आप समझते ही हो। सो किस तरीके का जॉनरे यहाँ से पॉपुलर हुआ और माना जाता है कि ये एक तरीके से फर्स्ट स्टोरी थी। सो 16 के लिए हिस्टोरिकल रोमांस, गॉथिक हॉरर, डिटेक्टिव स्टोरी या फिर पेस्टोरल एलजी। जी सही समझ रहे हैं, 16 के लिए हमारा राइट आंसर है सी। सो फादर ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज और ये एक तरीके से फर्स्ट पॉइंट है। कौन सा, द मर्डर्स इन द र्यू मॉर्ग। सो ये चारों थे हमारे इस वाले वर्क के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। ओके एमए इंग्लिश के लिए एंट्रेंस देना है। आप ना जब क्लास फिनिश हो जाएगी तो एक बार कमेंट में बता देना कि कहाँ से कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए कोई आपका डाउट होगा या कोई क्वेश्चन होगा तो हम सिलेबस पे भी बात कर सकते हैं, है ना। एंट्रेंस में तो देखो वैसे सारा ही आना है क्योंकि आपके ब्रिटिश लिटरेचर से सब कुछ आता है, एंड देन अमेरिकन से फेमस राइटर्स, एंड समटाइम्स इंडियन इंग्लिश लिटरेचर के भी जो फेमस राइटर्स हैं उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सो ऐसे ही अलग अलग सेशन में एक एक राइटर के ऊपर फोकस करते हुए चलेंगे। आज की क्लास अमेरिकन राइटर एडगर आलन पो के ऊपर है ना। सो हमने शुरू में चार क्वेश्चन उनकी बायोग्राफी के किए और उसके बाद ये रिस्पेक्टिव वर्ब्स के ऊपर। कहाँ से पढ़ोगे, तो मैंने कुछ एक चीजें शेयर की थी कल टेलीग्राम चैनल के ऊपर, नीचे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, और नॉर्मली भी सर्च कर सकते हो टीजीटी पीजीटी इंग्लिश पर रुचि मैम करके तो मिल जाएगा। सो अगले सेक्शन पे चलते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम द टेल टेल हार्ट। सो ये वाली आपको पूरी कहानी शेयर की थी, और द ब्लैक कैट ये मैंने समरी नहीं बल्कि फुल स्टोरी शेयर की थी आप लोगों के साथ क्योंकि ये छोटी कहानियां थी। सो क्वेश्चन नंबर 17 किससे है, द टेल टेल हार्ट से है। व्हाट वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द ओल्ड मैन एंड द नरेटर। तो दोनों के बीच का रिलेशन बताना है आपको यहाँ पे। देन द नरेटर हेटेड द मैन, द नरेटर डिडंट नो द मैन, ही हैड बीन हायर टू डू द किलिंग, द नरेटर लव्ड द मैन, या दे हैड बीन बिजनेस पार्टनर्स बट द ओल्ड मैन चीटेड द नरेटर। तो स्टोरी के बेसिस पे क्या लग रहा है हमें, रेखा? हाँ जी एल टी ग्रेट के लिए भी हेल्प करेगा बिल्कुल। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर के जितने भी फेमस राइटर्स हैं ना सब एक एक करके अलग अलग सेशंस में कवर करते चलेंगे। सो 17 के लिए क्या लग रहा है, वट विल बी द राइट आंसर, द नरेटर लव्ड द मैन। सो 17 के लिए आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोर द ऑथर टेल्स अस ही इज नॉट मैड,
the more obvious it becomes to us the readers that he is mad. So वो जितनी बार इस चीज को सामने क्लियर कर रहा है कि नहीं हूं मैड, नहीं हूं मैड, नहीं हूं मैड, उतना हम कंफर्म होते जा रहे हैं. इस चीज को आप कौन से लिटरेरी डिवाइस से रिप्रेजेंट करते हो, फोर शेडोइंग या फिर पर्सोनिफिकेशन या फिर आयरनी या फिर एलिट्रेशन. तो चार लिटरेरी डिवाइसेस के नाम दिए गए हैं और ये जो आपके सामने सिचुएशन या सिनारियो रखा गया है इसको कौन से लिटरेरी डिवाइस के साथ हम रिलेट कर सकते हैं. फोर शेडोइंग होता है जब आप फ्यूचर का कुछ प्रिडिक्ट करते हो, अनुमान लगाते हो कि समथिंग विल हैपन इन द फ्यूचर. पर्सोनिफिकेशन हम समझते हैं व्हेन सम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स आर गिवन टू ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज, नॉन लिविंग थिंग्स, उनको आप ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हो तो वो क्या कहलाता है, पर्सोनिफिकेशन कहता है कि आप उनको बिहेव करवाते हो ह्यूमन बींग्स की तरह. आयरनी होता है कि भाई कह कुछ रहे सेंस कुछ और निकल के आ रहा है, वो आयरनी हो गई. एंड एलिट्रेशन आपको पता है रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड, पीटर पाकर पिक्ड ए पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, एलिट्रेशन. 18 के लिए क्या होगा जी, क्या है ये? तो फोर शेडोइंग नहीं है, क्या है ये? आयरनी है. आई एम सेइंग आई एम नॉट मैड और लेकिन मेरे बिहेवियर से और बाकी सारी चीजों से क्या पता चल रहा है कि आई एम मैड. सो ये आयरनी हो गई. 18 के लिए सी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19. सविता अग्रवाल यूपी पीजीटी इंग्लिश में अमेरिकन राइटर्स हैं, मतलब उन्होंने स्पेसिफिक नाम दिए हुए हैं एंड टी एस एलियट को जोड़ के तीन और हैं. एडगर एलन का नाम नहीं है पर स्टिल आई विल एडवाइज कि आप पढ़ लेना, क्योंकि जब भी अमेरिकन राइटर्स की बात होती है तो क्वेश्चन आ सकते हैं. सो आपको स्पेसिफिक 17 राइटर्स दिए गए हैं सिलेबस के अंदर और उसमें कितने हैं, तीन प्लस टी एस एलियट. टी एस एलियट को दोनों जगह गिना जाता है तो देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, 19 देखते हैं. हाउ डिड द नरेटर एक्चुअली किल द ओल्ड मैन, कैसे मारा था, है ना सविता? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा आपके क्वेश्चन का आंसर. कुबेर मैं आपको बताऊं, देखो एक किताब के अंदर ना आपको कभी भी सारा कुछ नहीं मिलेगा. अगर जो आपको एक्चुअली में टेक्स्ट बुक्स पढ़नी होंगी जो हमने आप कह लीजिए 11th 12th में पढ़ी होंगी, बीए में पढ़ी होंगी, एमए में पढ़ी होंगी, जितना प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको टेक्स्ट बुक में मिलेगा ना उतना ऐसे एक किताब में नहीं मिलेगा कि चलो उसके अंदर हमको सारे राइटर्स के बारे में पता चल गया. सो अलग अलग रिसोर्सेस का यूज करना पड़ता है और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन से होते हैं जो हम एक्चुअली स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं वो बेस्ट होते हैं. और कभी भी वर्क के ऊपर जा रहे हैं तो वर्क को जितना डिटेल्ड पढ़ेंगे, एक्चुअल चीज पढ़ेंगे, उतना ज्यादा हमारा कमांड बनेगा उसके ऊपर. गाइड वगैरह में या जो शॉर्टकट किताबें होती हैं उनमें क्या होता है, थोड़ा 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 बता देते हैं तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा फिर वो दिमाग में ना मिक्स हो जाता है. तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आप बेस्ट बुक बताइए, आई विल ऑलवेज प्रिफर कि जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर किताबें पढ़ी हैं डिटेल्ड वाली, उनको पढ़िए, वही आपको बेस्ट हेल्प करेंगे. ठीक है. सो 19 के लिए क्या आंसर आया हमारे सामने, डी, ही पुल्ड द बेड कवर एंड सफोकेटेड हिम. सो 19 के लिए डी आंसर. एंड 20, व्हाट डिड द नरेटर एक्चुअली हियर, वो जो आवाज है वो किस चीज की थी. मैंस पॉकेट वॉच, हिज ओन हार्ट बीटिंग, the floorboards creaking, या फिर he heard one of the policemen tapping his foot. 20 के लिए आपको बताना है कि वो जो आवाज थी वो एक्चुअली किस चीज की थी और किसकी थी, वो उसके अपने खुद के हार्ट बीट की, है ना. सो ही हर्ड इज होन हार्ट बीटिंग. 20 के लिए बी. ये चार क्वेश्चंस कहाँ के हो गए, द टेल टेल हार्ट. अब एक पोयम है, गॉथिक पोयम कहा जाता है. एडगर एलन के वर्क को जब आप डिस्कस करेंगे दिस वन इज वेरी फेमस, मतलब अगर क्वेश्चन आना है तो 100% चांसेस हैं कि किससे रिलेटेड आएंगे, दी रेवन से लेके आएंगे. फेमस वर्क है
और एक्चुअली में एक या दो बार मैंने देखा है कि हाँ इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि ये वर्क किसका है और दिस पोयम इज रिटन बाय विच ऑथर. सो देखें कौन सा पोयम. द रेवन बाय एडगर एलन पो है ना. सो इट्स अबाउट ए बर्ड द रेवन. क्वेश्चन 21 क्या है. पोस मोस्ट फेमस वर्क इज अ पोयम अबाउट वॉट काइंड ऑफ बर्ड. सो ये बहुत ही मतलब आसान सा क्वेश्चन हो गया. पोयम का नाम क्या है. द रेवन. पैरट, ईगल, रेवन या फिर ऑस्ट्रिच. आसान सा क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 21 के लिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी है ना. सारे ऐसे मनाएंगे कि इसी तरीके के आ जाए हमारे सवाल. बिल्कुल कि हमको क्वेश्चन पढ़ते खुद ही पता चल जाए. क्वेश्चन नंबर 22. व्हेन द रेवन एंटर्स द नरेटर्स रूम इट लैंड्स ऑन अ बस्ट ऑफ होम. सो ये बहुत ही क्लियरली मेंशनड है कि किस चीज के ऊपर वो बैठता है आके. ओडिन, सोफोक्लस, पैलस या फिर वास. किसके बस्ट पे. जी करेक्ट है. 22 के लिए बताइए. रेखा ने करेक्ट आंसर दिया हुआ है. पिंकी बिल्कुल करेक्ट आंसर दे रहे हैं. 22 के लिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी. जी देन नेक्स्ट है 23. क्वेश्चन नंबर 23. व्हेन अकॉर्डिंग टू द रेवन द नरेटर अगेन सी हिज लॉस्ट लेनोर. सो सैड है हमारा पोएट या नरेटर और वो क्या है वो मिलना चाहता है किससे. लेनोर से. सो वो क्वेश्चन पूछता है उससे रेवन से कि मैं कब मिलूंगा. व्हाट वॉज द आंसर. नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट ईयर, 25 दिसंबर या फिर नेवर मोर. सो एक बार भी पढ़ा होगा आपने तो ये आपको फटाफट आ जाएगा आंसर. 23 के लिए क्या बोलता है रेवन. नेक्स्ट बर्थ, नेक्स्ट ईयर, 25 दिसंबर या फिर नेवर मोर. सो हर बार जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो एवरी टाइम द रेवन वॉज सेइंग नेवर मोर. किसी भी क्वेश्चन का यही आंसर था उसके. सो 23 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए. सो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली पूछा गया है कि वो कब मिलेगा लेनोर से इस चीज को लेके. बट रेवन ने हर बार बोला क्या था. नेवर मोर. अब क्वेश्चन नंबर 24. दो और क्वेश्चंस रहते हैं. 25 क्वेश्चंस का हमारा सेशन होता है. अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की होंगी तो आपको पता है 25 क्वेश्चंस रहते हैं. सो वी आर हैविंग टू मोर. क्वेश्चन नंबर 24 देखें. व्हाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग इज एन एग्जांपल ऑफ विच साउंड डिवाइस. सो लिटरेरी डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच के ऊपर बेस्ड हमारा ये क्वेश्चन है. और ये जो लाइन लिखी गई है व्हाइल आई नॉडेड नियरली नैपिंग इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. ओनोमैटोफिया है, एलिट्रेशन है, परसोनिफिकेशन है या फिर एनाफोरा है. सो वहां पे मैंने आपको क्लियर कर दिया था. परसोनिफिकेशन क्या होता है. जब हम नॉन लिविंग या ऑब्जेक्ट या आइडिया को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देते हैं दैट इज परसोनिफिकेशन. एलिट्रेशन भी आपको बता दिया था. रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. जो दो नई चीजें हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो क्या है. ओनोमैटोफिया ये क्या होता है. ये होता है किसी भी चीज का नेचुरल साउंड जैसे बर्ड्स के या एनिमल्स के नेचुरल साउंड हो गए. फिर चीजों के भी साउंड होते हैं जैसे बेल है तो बेल के लिए डिंग डोंग हो गया है ना. ट्रेन है तो वुफ वुफ इस तरीके से आवाज हो गई. सो वाटर है तो स्प्लैश की आवाज हो गई. टिक टिक हो गया घड़ी के लिए. सो ये जो आवाजें हो जाती हैं ये क्या कहलाती हैं. ओनोमैटोफिया. और एनाफोरा होता है जब एक सेंटेंस में अलग अलग क्लॉज या फ्रेज में एक वर्ड बार बार रिपीट हो रहा होता है. सो रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड इन डिफरेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस यूज होगा बार बार वो एनाफोरा हो गया. मीनिंग अलग नहीं होगा. मतलब जैसे आप हिंदी में अलंकार पढ़ते हो और हर बार उसका अर्थ अलग तरीके से प्रयुक्त होता है पढ़ते हो उस तरीके से नहीं. मीनिंग सेम होगा सिर्फ उस वर्ड का रेपिटेशन होगा हर बार है ना. सो 24 के लिए क्या आंसर दे रहे हैं. बी बता रहे हैं एलिट्रेशन करेक्ट है. नॉडेड नियरली नैपिंग है ना. नॉक की आवाज. सो 24 के लिए बी. और हमारा लास्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 25 है.
What name did Poe publish his first book, Tamerlane and Other Poems under? So nickname या pseudo name के साथ उनका ये पहला work आया था and what was the name? अपने नाम से नहीं करा था उन्होंने, कुछ और नाम से publish करा था. So what was the name? A Bostonian, a Boz, an Edgar A. Poe या फिर a Raven? So जो जो राइटर्स हैं जो सूडो नेम से जिन्होंने लिखा होगा या कुछ और नाम से लिखा होगा वहां पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं. तो 25 के लिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अ बोस्टोनियन. ठीक है, सो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चंस. और नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आप लोग को बता दे रही हूँ, जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी हैमलेट के ऊपर क्वेश्चंस. सो ओथेलो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, विलियम शेक्सपियर के ओथेलो के ऊपर हमारे क्वेश्चंस डिस्कस हो रखे हैं. आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा चैनल के ऊपर. और जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्वेश्चंस कौन से डिस्कस करेंगे, विलियम शेक्सपियर के हैमलेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को. सो वो फोकस करेगा यूपी वाले एग्जाम को लेकर के, यूपी स्पेसिफिक. आज के लिए इतना ही, ठीक है. सो नवीन आप लेट हो गए, मेरी तरफ से बाय है, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना एंड कनेक्टेड रहेंगे ऐसे ही चैनल के ऊपर. नवीन आप तो बैच में भी हैं, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लाइव क्लास में आएंगे, मे बी आपका टाइमिंग अपना नहीं टैली कर रहा होगा. सो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर बैच में, टेक केयर.